गाइस, आज हम मसालेदार मटर मशरूम बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मसालेदार मटर और मशरूम बनाना। मटर और मशरूम बनाने के लिए ये हमने मशरूम लिए हैं। ये हमने एक पैकेट मशरूम लिया है और ये एक कटोरी मटर लिए हैं। मशरूम हमारे 200 ग्राम के आसपास होंगे और ये मसाले लिए हैं धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच और लाल मिर्ची पाउडर भी आधा चम्मच। ये हमने 3 टमाटर लिए हैं, इनको हमने एक टमाटर में से इस प्रकार से टुकड़े कर लिए हैं। 4 हरी मिर्च ली हैं, 3 बड़े प्याज लिए हैं, इनको भी हमने टुकड़ों में कट कर लिए हैं। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो आइए बनाते हैं मटर मशरूम। ये हमने एक कढ़ाई ली है, सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी और ये हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, 4 लौंग ली हैं और 1 मोटी इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1/4 चम्मच हमने जीरा लिया है। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले मैं इसमें ये लहसुन की कलियां डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। और इसी में थोड़ा सा भून लूंगी प्याज को। हम पहले सबसे पहले इनको खड़ा मसाला भूनकर तैयार करेंगे। हमारे प्याज भुनने लगे हैं, और ये हमारे प्याज भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी, साथ ही हरी मिर्च और अदरक भी डाल दूंगी इसमें। इसमें 1/4 चम्मच नमक डालूंगी। मसाले को मैं भूनने दूंगी जब तक हमारे ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। मैं 1 मिनट के लिए ढककर पकने दूंगी मसाले को। जब तक ये हमारा मसाला भुनकर तैयार होता है, मैं ये मशरूम को कट कर लेती हूँ। मैं मशरूम के 1 पीस में से 4 पीस टुकड़े करूंगी। और ये हमारे मशरूम अच्छे से कट हो चुके हैं। तो आइए अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। और ये हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और मसाले को मैं ठंडा होने दूंगी इसे। और ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब मैं इस मसाले को मिक्सी जार में डाल लूंगी। और इसे अब मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये हमारा मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसी कढ़ाई में सब्जी तैयार करूंगी। अब मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा
दालचीनी, लौंग और इलायची डाल दूंगी। मैं ये मसाले डाल दूंगी इसमें। और अब जो ये मैंने मसाला पीसा है ये भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैं चौथाई चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाल दूंगी। और इसे भुनने दूंगी। अब मैं इस मसाले को ढक के 1 से 2 मिनट पकने दूंगी, जब तक ये हमारा ऑयल ना छोड़ दे। तो आइए मसाला चेक कर लेते हैं। ये हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब मैं इसमें ये मटर के दाने डाल दूंगी। और साथ ही मैं ये मशरूम भी डाल दूंगी इसमें। और ये हमारे मशरूम मटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल दूंगी। और इसे मैं ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं। और ये हमारी सब्जी देखने में बढ़िया लग रही है और ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। अब मैं इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। ये हमारे मटर मशरूम बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।